हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल में जिसका नाम है अनबॉक्स फॉर टेक। तो फ्रेंड, आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग गूगल होम मिनी का, और साथ ही साथ उसे सेट करना भी सिखाएंगे और उसके कुछ फीचर्स के बारे में भी बताएंगे, और अगर आप उसे रिसेट करना भी चाहते हैं तो उसके भी बारे में बताएंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स फ्लिपकार्ट का है और इसी के अंदर ही हमारा गूगल होम मिनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस गूगल होम मिनी को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन से नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इसे फ्लिपकार्ट के साइट से जाके आप खरीद सकते हैं, और साथ में साथ हो सकता है कि आपको नए फीचर्स और नए ऑफर्स भी मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, और साथ ही देखते हैं आखिर इस बॉक्स में गूगल होम मिनी के साथ साथ और भी क्या क्या हमें मिला है। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स दिया हुआ है जो कि एक छोटा सा बॉक्स है। इसके अंदर ही हमारा गूगल होम मिनी है, और साथ ही साथ ये एक स्लिप मिला है जिसमें इसका कुछ प्राइस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अनबॉक्सिंग इस बॉक्स का जो कि गूगल होम मिनी का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फुल्ली रैप्ड है पॉलिथीन से। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस पॉलिथीन को भी हटा देते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक सफ़ेद कलर का बॉक्स है जो कि गूगल होम मिनी का है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें प्री इंस्टॉल्ड गाना और सावन दोनों ही मिल जाते हैं। आप इसे गाना और सावन दोनों के थ्रू म्यूजिक इसमें बजा सकते हैं, और इसके कुछ कॉम्पेटिबल और पार्टनर ऐप भी हैं जो कि आपको टाइम ऑफ इंडिया, फिलिप्स, टीपी लिंक और नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्रोमकास्ट जैसे ऐप पे भी ये काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं ये ग्रे कलर में है, और इसके कुछ फीचर्स के बारे में और यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्ट करने के लिए आप ओके गूगल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस बॉक्स को खोलते हैं, और खोलने के बाद देखते हैं आखिर इसके अंदर क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ग्रे कलर में गूगल होम मिनी है, और ये नीचे की तरफ इसके लाल कलर का कुछ पैड है, और इसका लगभग इसका वेट होगा 173 ग्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जिसके ऊपर रखा था वो कुछ स्माइली शेप का है। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमें इसके साथ कुछ गाइड मिल जाती हैं जिसके थ्रू हम इसे चलाना सीख सकते हैं, वॉइस कंट्रोल के थ्रू हम किस तरह से इसको चलाएं। तो फ्रेंड्स, आइए हम और देखते हैं और भी क्या इसके साथ मिला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये केबल मिला हुआ है जो कि इसको चलाने के लिए यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ के थ्रू भी, और इसके कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि जैसे कि आप इसे पर्सनलाइज यूज कर सकते हैं, इसे ट्रैफिक आपके एरिया में ज़्यादा है या कम है इसके बारे में बता सकता है, आप कैलेंडर इससे पता कर सकते हैं कि आज की डेट क्या है, आप इससे शॉपिंग डिटेल पता कर सकते हैं जो कि इससे लिंक हो, आप इसे अलार्म लगा सकते हैं, आप इससे म्यूजिक सुन सकते हैं। इसका मेन जो म्यूजिक स्ट्रीम है गूगल प्ले म्यूजिक ही है। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा कि इस बॉक्स में हमें एक गूगल होम मिनी मिल गया जो कि ग्रे कलर का है, और एक पावर एडाप्टर मिल गया जो कि केबल के साथ फिक्स है जो कि आपको 135 सेंटीमीटर का है, और साथ ही साथ आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड भी मिल जाती है जिसके थ्रू आप इसके बारे में जान सकते हैं, आप कैसे इसको वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। जैसा कि कहा जाता है कि गूगल होम मिनी टच पैड नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आप टच करके चला सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, हम आपको नीचे की तरफ भी खोल के दिखा देते हैं बस। तो फ्रेंड्स, हम केबल को इसके अंदर लगा दिए हैं, ये पावर केबल जो है, इसके पीछे एक बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप रीसेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं लास्ट में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं कि गूगल होम मिनी को मैंने पावर के थ्रू लगा दिया है,
Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. तो फ्रेंड मैं जो आपको बताने वाला था कि टच पैड कैसे काम करता है, तो टच पैड इसमें है तो नहीं कोई चीज़, लेकिन हाँ आप इसको वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए आप टच से भी इसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इसके मतलब राइट में दबाएंगे, हल्के से टच करेंगे तो ये स्लो हो जाएगा, और लेफ्ट में दबाने पर ये तेज़ हो जाता है। और ये गूगल होम मिनी में एक बटन दिया होता है जिसके थ्रू आप इसका वॉइस ऑफ और ऑन कर सकते हैं। The mic's off. The microphone is back on. तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले में जाके आप इसको आराम से वहां पे लिख के गूगल होम के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं भी कर पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस ऐप को पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। तो आइए हम ओपन करते हैं गूगल होम मिनी को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले ही खुलते ही इसमें लिख के आया वेलकम होम, जिसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि एक डिवाइस इसमें फाइंड किया गया है। अगर आप डिवाइस को नहीं फाइंड कर पाता आपका मोबाइल, तो आप इस अपने मोबाइल में वाईफाई ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप वाईफाई के ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे गूगल होम मिनी और साथ ही साथ इसके मॉडल नंबर लिख के आएगा, जिस पर आप क्लिक करने के बाद ये तुरंत ही कनेक्ट हो जाएगा अगर आपके उस डिवाइस पे कनेक्ट होने का नहीं दिखाता है। उसके बाद आप ये जो आपको दिखाई दे रहा है वन डिवाइस फाउंड, ये आपको उसके बाद दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको ये सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद से ये अपने आप ही सेटअप करने की पहले कोशिश करेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं गूगल होम मिनी को ये फाउंड कर लिया है, तो हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है होम मिनी से। जब आपको ये साउंड सुनाई देगा तो ही आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप साउंड सुने हैं तो आप तुरंत यहाँ पे एस प्रेस करिए। तो जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इस गूगल डिवाइस को आप कहाँ लगाना चाहते हैं, चाहे आप अपने बेडरूम में लगाना चाहते हैं या फैमिली रूम में लगाना चाहते हैं, तो हमने फैमिली रूम ही सिलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स आपको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले वाईफाई की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो अगर आप गूगल होम मिनी को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी मोबाइल या किसी अडाप्टर के थ्रू आप वाईफाई को ऑन कर लें और उसके थ्रू अपने मोबाइल को कनेक्ट करें। उसके बाद से कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। तो एग्री करने के बाद से ये आपके लोकेशन को खुद ही ट्रेस कर देता है और साथ ही साथ आपका लोकेशन यहाँ पे दिखा देता है। जैसा कि मेरा लोकेशन दिखा रहा है पे ऑलमोस्ट डन लिख के आ रहा है, मतलब कि हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। फैमिली रूम स्पीकर इज़ रेडी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फैमिली रूम स्पीकर रेडी हमारा हो गया है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब हम इसे वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा गूगल होम मिनी कनेक्ट हो चुका है, तो ओके गूगल करके हम इसको शुरुआत करते हैं। तो आपको कुछ हम इसको चलाना सिखा देते हैं। ओके गूगल, कैन यू प्ले अ सॉन्ग फॉर मी? ऑलराइट, म्यूजिक एंड गाना, हियर यू गो। हे गूगल, प्ले नेक्स्ट सॉन्ग। तो मैं इसमें कुछ रेसिपी के बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ, और उसी बीच में मैं कुछ और भी पूछूंगा इससे, जो कि आप खुद देखेंगे। तो आइए देखते हैं। Can you tell me the recipe of dhokla? Okay, I've got a recipe called khaman dhokla from foodviber.com. Does that sound good? Yeah. Great, let's get started. Would you like to prepare the ingredients or skip to the instructions? Skip instructions. There's 20 steps. I'll read them one by one. When you're ready to hear more, you can say next step. First step, take all ingredients to prepare batter. तो फ्रेंड जैसा कि ये खुद ही आपको बताता है कि आप जब भी आप आगे बोलना चाहिए तो आप जब आप अपना काम पूरा कर लीजिए जो कि ये स्टेप बताया रहेगा, उसके बाद अगर आपको कोई स्टेप चाहिए तो तुरंत आप नेक्स्ट स्टेप बोलेंगे और ये आपको नेक्स्ट स्टेप तुरंत ही बताएगा। Hey Google,
Next. Second step, boil approx. 2 to 3 cups water and steamer at bottom and heat it over medium flame. तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट है, तो ये सिर्फ इंग्लिश ही समझता है और बोलता है। तो अगर आप इसे इंग्लिश में बात करेंगे तभी ये समझेगा। अगर आप इसे हिंदी में कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो अभी ऐसा कोई फीचर्स रिलीज नहीं किया गया है गूगल के थ्रू, तो आप इसको आप हिंदी में नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन अगर आप चाहिए तो आप इसे हिंदी पूछ जरूर सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे कुछ पूछा हिंदी हाउ आर यू, क्या हाल है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये आपको लोकेशंस के बारे में बताता है कि, तो मैंने जैसे कि ये कुछ मेडिकल कॉलेज के एरिया के बारे में पूछा तो इसने मुझे कुछ ऐसा बताया। हे गूगल, कैन यू टेल मी द मेडिकल कॉलेज इन लखनऊ। आई फाउंड अ फ्यू प्लेसेस, द फर्स्ट वन इज नियर लखनऊ मेडिकल कॉलेज हेडर रोड, सो इफ यू आस्क दैट लखनऊ। द सेकंड वन इज इन यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोचिंग रोड, ब्रज विहार, फूलबाग कॉलोनी, लखनऊ। तो फ्रेंड्स आइए हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में इससे खुद ही पूछ लेते हैं और साथ ही साथ इसके स्पीकर्स के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे कि इसकी स्पीकर्स की स्ट्रेंथ कितनी है या इसकी स्पीकर्स कितना तेज बज सकते हैं। हे गूगल, कैन यू टेल मी द स्पीकर ऑफ योर सर। गूगल बोट इज अ लीडिंग चाइल्ड एक्सप्रेशन स्पीकर ड्राइवर एंड डिजिटल इंच पैसिव रेडिएटर्स टू डिलीवर क्लियर हाइज एंड रिच बेस। ओके गूगल, कॉन्ट्रा, हु इज योर ऑनर। इसने तो मुझे ही ऑनर्स बता दिया, तो ऑफकोर्स मैं ही इसका ऑनर हूँ क्योंकि मैंने इसे खरीदा है। तो आप इसके ऑनर्स भी हो सकते हैं अगर आप इसको खरीदेंगे। ओके गूगल, नेक्स्ट। मिक्स देम प्रॉपर्ली इनटू स्मूथ बैटर। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको चाहते हैं कि अपने हिसाब से गाना बजाना, या आप उसको चाहते हैं कि कोई दूसरा बजाए, या आप उसको चाहते हैं नेक्स्ट बजे, तो आप नेक्स्ट बोलते जाएंगे और ये आपके लिए नेक्स्ट गाने बजाते जाएगा। एक प्ले ऑन वॉल्यूम 5। कहीं दूर बैठे हुए हैं, मोबाइल से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल से अगर ये कनेक्ट है वाईफाई के थ्रू, तो आप इसको मोबाइल के ऐप में जाके और जिस जगह पे ये शो कर रहा हो गाना या म्यूजिक, तो उस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन देगा, तो उससे आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको पॉज और प्ले भी कर सकते हैं। पर आप इसको नेक्स्ट करने के लिए आपको वॉइस के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा। Set an alarm for me at 7 a.m. Set it, your alarm set for tomorrow at 7 a.m. और अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट हो करके आप बजाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लूटूथ के ऑप्शन में आप जाके वहाँ पे आपको गूगल होम मिनी लिख के आएगा, उसके बाद से आप इसको क्लिक करेंगे उस ऑप्शन पे, तुरंत ही आपको एक बीप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल के थ्रू आप इसमें गाना बजा सकते हैं। Do you know football? Sure, almost as much as I enjoy being your sidekick. Hey Google, who is your favorite player in football? On the website myhero.com, they say Lionel Messi is my hero because he is my favorite football player. तो फ्रेंड्स अगर आप जैसे कि आप कहीं रख के अपना मोबाइल और भूल गए हैं और आपको नहीं मिल रहा है अपना मोबाइल और आप ढूंढना चाहते हैं कि घर में आप कहाँ रख दिए हैं, तो अगर आपका मोबाइल वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है तो आप इसे वॉइस के थ्रू आप इसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये तुरंत ही रिंग करके आपको बता देगा। Hey Google, where is my mobile? Yes. All right, your phone should be ringing now. मैं इसको रिसेट करना भी सिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पीछे जो रेड कलर का ये एरिया है, इसमें एक बटन दिया हुआ है,
ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था इसको दबा के भी, तो आप इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करते समय ये आपको कुछ इस तरीके से बोलेगा जैसा कि आप सुन रहे हैं। You are about to completely reset Google Home. To cancel, release the button. To continue resetting, keep pressing the button. तब तक दबाए रखिए आप उस बटन को जब तक ये चार बत्ती पूरी ना जल जाए और साथ ही साथ ये रीसेट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा Google Home Mini फिर से रीसेट हो गया। अगर आप इसको फिर से सेट करना चाहते हैं तो आप Google Home Mini ऐप में जाके फिर से आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको शुरुआत में सेटअप किया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले तो उस बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, जिसके बाद आपको लेटेस्ट में जो भी हम वीडियो डालेंगे या फिर जो भी अनबॉक्सिंग करेंगे या जो भी हम टेक के बारे में बताएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।